लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल, विरोध प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है। कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जमकर के लाठियां भाजी हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो कि पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से लखनऊ की पुलिस उनको घसीट घसीट करके उनके ऊपर लाठियां भाज रही है। और ये कार्यकर्ता महंगाई, डीजल और पेट्रोल के बढ़े हुए दामों को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। विधानसभा के बाहर ट्रैक्टर लेकर के पहुंचे हुए थे ये सारे के सारे लोग, जैसा कि आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हाथों में पोस्टर्स तख्तियां लिए हुए हैं जिसमें कानून व्यवस्था के साथ साथ में महंगाई और डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। मगर इस बीच में इन कार्यकर्ताओं पर, इन लोगों पर पुलिस ने कुछ इस अंदाज में लाठियां भाजी हैं कि कई लोग बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं। दरअसल पिछले 19 दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। हमारे सहयोगी नरेंद्र फोनलाइन के जरिए हमारे साथ में जुड़े हुए। नरेंद्र, आखिर लाठियां भाजने की जरूरत पुलिस को क्यों आन पड़ी और पुलिस ने ऐसा क्यों किया? बिल्कुल, ये लोग प्रदर्शन करने गए थे, ट्राली और ट्रैक्टर पे सवार थे, नारेबाजी कर रहे थे। ये प्रदर्शनकारी समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ता थे और बड़ी संख्या में ये लोग बढ़ती हुई पेट्रोल और डीजल की कीमतों के विरोध में। नरेंद्र, मगर पुलिस ने किन वजहों से लाठियां चलाई? पुलिस इन प्रदर्शनकारियों को विधानसभा के गेट के सामने से हटाना चाहती थी, लेकिन प्रदर्शनकारी इसका विरोध कर रहे थे, वो हटना नहीं चाहते थे और सड़क जाम कर वो प्रदर्शन कर। नरेंद्र, आपके पत्र में वापस आता हूं। हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया फोनलाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। अनुराग जी, विरोध प्रदर्शन आपकी पार्टी के लोग कर रहे थे, मगर पुलिस ने लाठियां क्यों भाजी? देखिए पुलिस, आप जनरल डायर का नाम आपने सुना होगा, ये अंग्रेजों की सरकार हो गई है, लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रहा है। आप लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण ढंग से आप सरकार को ये बताते हैं कि आपने 80 रुपए डीजल पेट्रोल कर दिया है, इतनी महंगाई बढ़ गई है कि लगातार मध्यवर्ग और गरीब आत्महत्या करता चला जा रहा है कि उनके पास कोई साधन नहीं है, उसके बाद आप महंगाई बढ़ा रहे हो। तो हम सरकार को जता रहे थे कि आपने इतनी महंगाई बढ़ाई है, लेकिन सरकार को तो लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। सरकार तो आपको पता ही, आजकल हिटलर शाही में चल रही है, जनरल डायर और अंग्रेजों जैसा राज्य है। आप आवाज उठाओगे, चाहे पत्रकार हो तो आप पे FIR हो जाएगी, आपको जेल भेज दिया जाएगा, और समाजवादी लोग आवाज उठाएंगे तो लाठियां चार्ज कर दी जाएंगी। मैं तो कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी शायद भूल गई है, ये समाजवादी लोग हैं जो समाज के लिए जीते हैं, समाज के सम्मान के लिए जीते हैं, ये किसान के सम्मान के लिए। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, क्या आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इजाजत नहीं ली थी वहां पर पहुंचने के लिए, या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा था जिसको वजह मान करके पुलिस ने ये बर्ताव किया? ये देखिए, पुलिस के पास तो कोई वजह चाहिए, इजाजत मांगो तो इजाजत देंगे नहीं। अगर प्रदर्शन करो तो कहेंगे रोड पे खड़े थे जी, रोड जाम कर रहे थे, जबकि आप देखेंगे साइड में खड़े थे। ठीक है अनुराग जी, हमारे साथ में बीजेपी नेता मनीष शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं, आप बने रहिए हमारे साथ, दोनों लोगों से मैं बातचीत करूंगा। मनीष शुक्ला जी, आप आखिर ये किस किस्म की पुलिसिया कार्रवाई है कि विरोध प्रदर्शन अगर महंगाई को लेकर हो रहा है तो उनके ऊपर लाठियां चलाई जाए? अनुराग भदौरिया यही कह रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में अपनी बात रखना, किसी मन से भिन्नता रखना, इससे लोकतंत्र के समर्थक लोग, लेकिन अभी जो परिस्थितियां हैं पूरे देश में, पूरे विश्व में, हमको आपको सबको पता है जी, कोरोना जैसे बीमारी का पूरा देश लड़ाई लड़ रहा है, तो उसमें कोरोना काल में आपके मुख्यमंत्री शपथ ले सकते हैं, आपके नेता इजाजत है, समाजवादी पार्टी का पुराना कानूनों का पालन न करना और सोशल डिस्टेंसिंग का क्या है, ये आपका चैनल दिखा रहा है, शपथ ले सकते हैं। अगर हम महंगाई की, देखिए एक एक करके मनीष जी और अनुराग जी, आप दोनों लोगों से मैं कहूंगा एक एक करके अपनी अपनी बात रखिए। मनीष जी, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता अनुराग जी भी हैं जी। अनुराग जी, आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। मनीष जी, जी अनुराग जी, जो भारतीय जनता पार्टी की आत्मा ही नहीं बची हो, वो क्या सवाल पूछेगी? मैं पूछना चाहता हूँ मनीष जी, बता दीजिए, आपको पाकिस्तान से आए हुए लोग दिखाई दे रहे थे कि चाइना से आए हुए लोग दिखाई दे रहे थे जो आप लाठियां चला रहे थे?
कहां से थे ये लोग, हिंदुस्तानी नहीं थे क्या, ये पे आप लाठी चलाने लगे? अंग्रेज जैसा आपने व्यवहार अपना लिया कि आवाज उठाओगे 80 रुपए अगर डीजल पेट्रोल करोगे, जनता की बात करो, किसान की बात करोगे, समाज की बात करोगे तो लाठियों से पीट दिया जाएगा, मौका मिलेगा तो गोली भी चला देंगे। ये पाकिस्तान क्रॉस ये बांग्लादेश से नहीं आए थे, ना पाकिस्तान से आए थे, ना चाइना से आए थे जिनको आप लाठियों चला रहे थे। पुलिस तो ऐसे शौहर दिखा रही थी, ऐसा जौहर दिखा रही थी जैसे लग रहा है कि वो पाकिस्तान के बॉर्डर पर लड़ाई लड़ रही हो, पाकिस्तानी आए। ठीक है अनुराग जी, जवाब ले लेते हैं, अनुराग जी जवाब ले लेते हैं। मनीष जी पुलिस ने इस वजह से लाठियां चलाई कि महामारी के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई और इजाजत नहीं ली गई थी इस वजह से, या विरोध प्रदर्शन की वजह से? देखिए अनुराग जी से कहिएगा कि सुन लेंगे कम से कम, वैसे उनकी आदत नहीं है। देखिए कोरोना जैसी महामारी के समय में कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसको उसका पालन होना चाहिए, और साथ ही साथ अगर कहीं धरना प्रदर्शन है और सड़क जाम है तो पुलिस का दायित्व तो है कि कानून व्यवस्था का पालन कराए और किसी आम नागरिक को उससे समस्या न उत्पन्न हो, और पुलिस ने कानून व्यवस्था की स्थिति को ठीक रखने के लिए कोविड के प्रोटोकॉल को पालन कराने के लिए इन लोगों को वहां से हटाया है। और आपका जो चैनल दिखा रहा है, विजुअल दिखा रहा है, उसमें आप खुद देख रहे हैं ना किसी के ऊपर मास्क है, डिस्टेंसिंग का क्या पालन हो रहा है उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। अब उनकी अनुराग जी तो कहीं बैठे होंगे, बड़े बड़े से जगह पे बैठे होंगे और वर्कर्स को निकाल दिया होगा। अनुराग जी कभी इस तरह के कार्यक्रमों में आप भी निकला कीजिए और देखिए तो कम से कम अपने वर्कर्स। नहीं अनुराग जी सवाल विरोध प्रदर्शन को लेकर के दमन का नहीं, सवाल ये है कि आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, कम से कम चेहरों पर मास्क होना चाहिए था, कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना चाहिए था, क्योंकि इस बात में तो दम है मनीष जी के। शायद आप भूल गए हैं कि सारे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे। जब लाठियां चलाते हैं ना, जब आप दौड़ा के मारते हैं तो लोगों पे क्या बीतती है वो लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग डरने वाले लोग नहीं है। शायद भूल गई बात में, जनता पार्टी को R9 की तरफ से संदेश भेज दो कि तुम्हारी लाठी वाटी से हिंदुस्तान कोई डरता है? अंग्रेजों से हिंदुस्तान डरा है क्या कभी? अंग्रेजों की नीत से हिंदुस्तान कभी नहीं डरा है? आपकी लाठी वाटी से जनता की आवाज दबती है क्या? आपकी पेट्रोल लाठी चलाने से पेट्रोल क्या 60 रुपए हो जाएगा तो बता दो। लाठी चलाने से अगर 60 रुपए पेट्रोल होता हो, अगर लाठी चलाने से आपका डीजल 60 रुपए 50 रुपए हो जाता हो, अरे लाठी तो कायर लोग चलाते हैं जो कुछ नहीं कर पाते, लाठी का सहारा लेते हैं, लाठी का सहारा कागज का सत्ता के हमें दिखाने के लिए लेते हैं। चलिए आप दोनों लोगों की बातें इस वक्त हमने और दर्शकों ने सुनी, हम सुनिए ना सुनिए। और नवंबर दिसंबर में जब हम प्रदर्शन कर रहे थे तब कौन सा कोरोना था? तब तो आगे तब भी लेने जा रहे हैं, तब तो मैंने आपको बहाना चाहिए, कभी कोरोना कभी आप बोलोगे लॉ एंड ऑर्डर तो आपके बस की बात नहीं संभालना, लेकिन जो लोकतांत्रिक तरीके से जो लोग सरकार को आगाह करते हैं चलिए अनुराग जी आपका और मनीष जी आपका, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। R9 टीवी के माध्यम से जुड़ करके आप लोगों ने स्थितियों को अपने अपने तर्कों के हिसाब से साफ करने की कोशिश की। तो समाजवादी पार्टी जहां पर यह सवाल उठा रही है कि जनरल डायर जैसी स्थिति इस वक्त लखनऊ के अंदर उस सड़क पर देखने को मिली जहां पर यह विरोध प्रदर्शन चल रहा था, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि न सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया, न ही चेहरों पर मास्क थे, बल्कि मौजूदा वक्त में महामारी को लेकर के जिस तरीके से जो रूप रेखा होनी चाहिए थी, जाहिर तौर पर जब वो नहीं होगी तो पुलिस अपना दायित्व निभाएगी, क्योंकि जहां पर ये विरोध प्रदर्शन हो रहा था वहां पर आम लोगों को भी दिक्कतें हो रही थी। हमारे साथ में हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत शुक्रिया।